दान म्यूट वेख रहे हो तुसी, मैं आशा पंजाबी। भारत के कई इलाकों में कई दिनों तो अति गर्मी पै रही थी, लोग मीह पैन की दुआ कर रहे सन। अंत लोगों का इंतजार खत्म होया, मानसून आई और खूब वरी भी, पर इस नाल ही शुरू होया आसमानी बिजली का कहर। आसमानी बिजली ने अपना कहर यों मचाया कि उत्तर प्रदेश के वजीराबाद में खेतों च काम करते समय 3 किसानों की मौत हो गई आसमानी बिजली डिगन दे नाल। उस तो अलावा प्रयागराज में भी 14 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में 7 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत आसमानी बिजली डिगन के कारण हुई। झारखंड में तो एको ही परिवार के 4 जिया की मौत आसमानी बिजली डिगन दे नाल हुई। आसमानी बिजली एक कुदरती वर्तारा है जो बदलों और धरती विचकार उल्ट चार्जा के वहाव कारण वापरता है। जो आसमानी बिजली धरती नाल टकराती है उसकी वोल्टेज 1 बिलियन तो 10 बिलियन वोल्ट से विचकार होती है। घर अंदर वरती जाने वाली बिजली महज 220 वोल्ट रहती है। इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी चपेट च आने वाले लोगों लिए यह कितनी नुकसानदेह है। इसकी चपेट च आने वाले 10 से 30% लोग तुरंत मौत के मुँह में चले जाते हैं, जदों के 80% लोग जो बच जाते हैं उन्होंने काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पैंदा है, क्योंकि उन्होंने शरीर का ज़्यादातर हिस्सा इस दुर्घटना में निकम्मा हो जाता है। बहरहाल आसमानी बिजली डिगण नाल हुई इन मौतों का वर्तारा नवा नहीं है। भारत च यह औसतन सालाना अंकड़ा 2000 से 2500 तक चला जाता है। साल 2018 यह अंकड़ा 3000 दर्ज किया गया सी, जो कि पिछले एक दहाके विच सब तो ज़्यादा रहा। भारत में इस कारण होने वाली मौतों के अंकड़ों को अमरीका के अंकड़ों नाल तुलना करिए हालत होर भी माड़ी है, क्योंकि अमरीका में यह अंकड़े लगातार घटते आ रहे हैं। साल 1940 अमरीका च आसमानी बिजली डिगण नाल 329 लोगों की मौत हुई सी। उत्थे 1970 यह अंकड़ा 98 मौतों का रहा। साल 2007 से 2016 तक यह सालाना औसतन अंकड़ा 31 मौतों तक पहुँच गया, पर भारत च इस कुदरती करोपी दस के इस तो बचन का कोई भी सार्थक तरीका नहीं लभ्या जाता। जिक्रयोग है कि IIMT पुणे के कुछ विज्ञानी इसते खोज कर रहे हैं। आसमानी बिजली आम तौर पर उच्चियां इमारतों पर डिगदी है, पर शहर के इमारतों पर करंट वाहक पत्तियां लगिया होने के कारण वह जमीन दोज हो जाती है, पर पिंडों के आसमानी बिजली का निशाना होता है उच्चे दरख्त। अक्सर पिंडों के किसान जो खेतों के काम करते हैं तो आसमानी बिजली या फिर मीह आने बाद दरख्तों के हेठां जाके खड़े हो जाते हैं, तो अजिही हालत में अक्सर वह आसमानी बिजली का शिकार होंगे ने, क्योंकि जो आसमानी बिजली उन्होंने दरख्तों पर डिगदी है तो 80 से 100 मीटर के घेरे अंदर आने वाले पंछियों और इंसानों पर अपना वार करती है। हुण सवाल उठता है कि आखिर सूबा सरकारां इस तो बचने लई की उपराले करदियां ने। कुछ सूबों में इस मुसीबत का पता समय तो पहला लगाने लई एक ऐप भी चालू की गई है। बिहार सरकार लई IIMT पुणे ने दामिनी नाम की एक ऐप बनाई, जो कि आसमानी बिजली डिगण तो लगभग 30 मिनट पहला जानकारी दिंदी है कि 20 से 40 किलोमीटर के घेरे अंदर आसमानी बिजली डिगण की कितनी संभावना है। उस दौरान आंध्र प्रदेश में भी एक ऐप लागू की गई है जिसका नाम है वज्रपात, जो कि संभावित इलाके में बिजली डिगण की संभावना होने पर मोबाइल से मैसेज भेजती है। हुण यह सूबा सरकार पर निर्भर करता है कि वह इन ऐप्स बारे लोगों को किस तरह जाणू करवाउंदी है, किन्ने कु लोग जागरूक ने अते किन्ने कु लोग इन ऐप्स नूं अपने फोन दे विच इंस्टॉल करते हैं। बाकी इस बारे तुहाडी की राय सानूं कॉमेंट करके जरूर दसो। तो अजिहियां होर जानकारी लई साडा फेसबुक पेज लाइक करो तो यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो। जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में।